जननी प्रसूता सर्वादिभानि सहस्ररश्मिं प्राजीव दिग्गणयति स्फुरदंश जालं त्वां मनन्ति मनया परमं पुमांसमादित्यवर्णममलम् तमसः परस्तात्त्वामेव सम्यगुपलब्धयन्ति मृत्युर्नान्यः शिवः शिवपदशमनिन्दपन्थः कामद्वयं विमुचिन्त्यवसंख्यमाद्यं ब्रह्माणिमीश्वरमनन्दमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदिते योगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धत्वमेव विविधा चित्तबुद्धिबोधः वंशं करोति भुवनत्रयशङ्करत्वाताशीरशिवमार्गविदेर्विधानात्वक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्ति भुवनाधिहराय नाथ तुभ्यं नमस्ति शीतलामरभूषणाय तुभ्यं नमस्ति जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभूतोषणाय गोविस्मयोत्र गदिनाम गुणैरशेष त्वं संस्कृतो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाशै जात गर्भै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि उच्चैर्शोकतर संस्थितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतु नितान्तं स्वस्थोल्लसत्किरणमस्ततमोवृतानं बिम्बं रवेरिव पयोधय पार्श्ववर्ति सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव बहु कनकावधातं बिम्बं वियत्विलसितञ्जलता विधानं तुम्बोदयाद्यशिरसीव सहस्ररश्मेः कुन्दावदात चलचामरचारुशोभं विभ्राजते तव बहु कलज्योतिकान्तम् उद्यै च शङ्खशुचिनेजरवारिधारय मुच्चेतुदंसुरगिरेदिविशाति कुम्भं छत्रत्रयं तद्विभाति शशाङ्कान्तान्मुच्चेतुदं स्थगितभानुकुलप्रतापं मुक्ताफलप्रकृजालविविष्टशोभं प्रख्यापयत्ति जगतः परमेश्वरत्वम् उन्निद्रगे मनवपङ्कजकुञ्जकण्ठे पर्युल्लसन्नखमयूकशिखा विरामो पादौ पदानि तव यत् जिनेन्द्रदत्तः पद्मानि तत्र विबुधः परिकल्पयन्ति यत्तं यथा तव विभूतिरबुद्धिनेन्द्रधर्मोपदेशनविदो न तदा परश्य यादिक्तवाति निखिताहताकारा ताद्रिपुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि श्रोतन्मदा विलविलोलकबोलमूलदत्ता बृहत् भ्रमरनाद्विविद्धकोपमेरावतामहिममिदमापतन्दं दिष्ट्वा भयं भवति नो भवदासितानं भिन्नेव कुम्भगल्दिच्चलशोणिताक्तमुक्ता फलप्रकरभूषितभूमिपादः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणादिकोऽपि नाक्रामदिक्रमयुगाचलसंसितं ते कल्पान्तिकालभवनोधतवह्निकल्पं दावानलं चलितमुज्ज्वलमुत्सुलिङ्गम् विश्वं जगत्समिव सम्मुखमापतन्तं तन्नामके सञ्जलं समयप्तशेषं रक्तिक्षणं समुदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फलिनमुत्पन्नमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तसङ्कष्टं नामनागतमिनीरिति यस्य पुंसः वल्गत्तिरङ्गतिकर्दिति भीमनाद माधुबलं बलवतामपि भूपतीनामुद्य दिवाकरमयुतशिखा पवित्रं तत्कीर्तिना तमेवाशुभिदामुपैति कुन्ताग्रभिन्नगजितोनितवारिवाक वेगावतारितरणातुर्योधिभीमे युक्ते जयं विजितदूते जयपक्षात्पत्पादपङ्कजगनाशयिनो लभन्ते अम्भो निदोषिविदबीजननत्र चक्रं पाठीनवीरभैरोर्बणवादवाग्रौरङ्गतरङ्गसिखरस्थितयानपात्रासं विहाय भवता स्मरणां भजन्ति उद्भूतभीषरजलोदरभारुग्नाजाङ्गशामुपगताश्चीविताशः त्वत्पादपङ्कजरजोन्नितदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मुदरद्भुततुल्यरूपाः आपादकण्ठमृशृङ्खलवीतिताङ्गाकारं बृहन्निगडकोटिनिगस्तदङ्गाः तन्नावमन्त्रमनिसम्मनिसः स्मरन्तः सद्य स्वयं विगतबन्धवया भवन्ति मत्ता त्रिपेन्द्रविजरादतभानिलाघ्यसङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोत्तम् कस्याशिनाशमुपयाति वयं विहेव यस्तावकं सर्वं मतिमानभीति स्तोत्रसुरं दर्जिनेन्द्रगुणे निबद्धम् भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं धत्तेजरो यज्ञ कण्ठकरामजस्रं तं मानितुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मीः तं मानितुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मीः जप करेंगे
कायोत्सर्ग प्रतिमा का प्रयोग करेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। रीढ़ की हड्डी व गर्दन बिल्कुल सीधा रहे। आंखें कोमलता से बंद संकल्प करेंगे। तत्त उत्तरी कर्णेनम पायचित्त कर्णेनम विशोही कर्णेनम विशल्ली कर्णेनम पावाणम कम्माणम निघायनस्थाय स्थान काउसग्गम अन्नत ऊससीयेनम नीच विवेक प्रतिमा। अपने स्वरूप को जानने के लिए विजाती तत्वों का विवेक करें। बिल्कुल रिलैक्स, शरीर को पहले एकदम ढीला छोड़ दें। कहीं कोई अकड़न तनाव नहीं,
कंठ के कायोत्सर्ग के साथ पूरे शरीर की शिथिलता को साधे। कंठ का कायोत्सर्ग, चित्त को कंठ पर केंद्रित करें। बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को, और ढीला छोड़ें, कहीं कोई किसी प्रकार का आकड़न नहीं, तनाव नहीं, और ढीला छोड़ें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। विवेक प्रतिमा, अपने स्वरूप को जानने के लिए विजाती तत्वों का विवेक करें, चिंतन करें। मैं क्रोध नहीं हूं, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। बीच बीच में श्वास का संयम भी चले, श्वास कुंभक का भी प्रयोग करें। पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ करेंगे। मैं क्रोध नहीं हूं, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। बार बार इसी चीज का अनुचिंतन करें। मैं मान नहीं हूं, मान मेरा स्वभाव नहीं है। मैं मान नहीं हूं, मान मेरा स्वभाव नहीं है। मैं माया नहीं हूँ, माया मेरा स्वभाव नहीं है। मैं माया नहीं हूँ, माया मेरा स्वभाव नहीं है। बीच बीच में सांस का कुंभक भी करें। मैं लोभ नहीं हूँ, लोभ मेरा स्वभाव नहीं है। मैं लोभ नहीं हूँ,
लोभ मेरा स्वभाव नहीं है। मैं भय नहीं हूँ, भय मेरा स्वभाव नहीं है। मैं भय नहीं हूँ, भय मेरा स्वभाव नहीं है। मैं शोक नहीं हूँ, शोक मेरा स्वभाव नहीं है। मैं शोक नहीं हूँ, शोक मेरा स्वभाव नहीं है। मैं घृणा नहीं हूँ, घृणा मेरा स्वभाव नहीं है। मैं घृणा नहीं हूँ, घृणा मेरा स्वभाव नहीं है। पूरी जागरूकता तन्मयता के साथ प्रयोग चलते रहे। दीर्घ श्वास का प्रयोग करें और बीच बीच में श्वास का कुंभक भी करें। मैं काम नहीं हूँ, काम मेरा स्वभाव नहीं है। मैं काम नहीं हूँ, काम मेरा स्वभाव नहीं है।
मैं मिथ्यात्व नहीं हूँ, मिथ्यात्व मेरा स्वभाव नहीं है। मैं मिथ्यात्व नहीं हूँ, मिथ्यात्व मेरा स्वभाव नहीं है। इसी का पुनः पुनः अनुचिंतन करें। अयम परिक्रमामि, मैं अतीत का प्रतिक्रमण करती हूँ। यदि मैंने क्रोध किया हो तो मनसा वाचा कर्मणा तत्समिच्छामि दुःखणम्। यदि मैंने मान किया हो तो मनसा वाचा कर्मणा तत्समिच्छामि दुःखणम्। यदि मैंने माया की हो तो मनसा वाचा कर्मणा तत्समिच्छामि दुःखणम्। यदि मैंने लोभ किया हो तो मनसा वाचा कर्मणा तत्समिच्छामि दुःखणम्। यदि मैंने भय किया हो मनसा वाचा कर्मणा तत्समिच्छामि दुःखणम्। यदि मैंने शोक किया हो मनसा वाचा कर्मणा तत्समिच्छामि दुःखणम्। यदि मैंने घृणा की हो मनसा वाचा कर्मणा तत्समिच्छामि दुःखणम्। यदि मैंने काम का सेवन किया हो तो
तो मनसा वाचा कर्मणा तस्मिच्छामि दुःखम्। यदि मैंने मिथ्यात्व का व्यवहार किया हो तो मनसा वाचा कर्मणा तस्य मिथ्यामि दुःखम्। बीच बीच में श्वास का कुंभक करें, स्वयं को भावित करते जाएं, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ प्रयोग चले। परिपूर्णम संवरेमि, मैं वर्तमान का संवर करती हूँ। अनुभव करें, क्षमा का विकास हो रहा है। अनुभव करें, मृदुता का विकास हो रहा है। अपने आप को भावित करते जाएं, बिल्कुल तन्मय बन जाएं। अनुभव करें, ऋजुता का विकास हो रहा है। अनुभव करें, संतोष का विकास हो रहा है। दीर्घ श्वास के साथ बीच बीच में श्वास कुंभक करना न भूलें। पूरी जागरूकता, पूरी एकाग्रता। अनुभव करें, अभय का विकास हो रहा है। आनंद का विकास हो रहा है। मैत्री का विकास हो रहा है। अपने आप को भावित करते जाएं और गहरे में चले जाएं और भावित करें। ब्रह्मचर्य का विकास हो रहा है। सम्यक्त्व का विकास
हो रहा है। अनागयम पच्चखाम, मैं भविष्य का प्रत्याख्यान करती हूँ। मैं क्रोध नहीं करूंगी। मैं मान नहीं करूंगी। मैं माया नहीं करूंगी। मैं लोक नहीं करूंगी। मैं भय का संवेदन नहीं करूंगी। मैं शोक नहीं करूंगी। मैं घृणा नहीं करूंगी। मैं मिथ्यात्व का व्यवहार नहीं करूंगी। बिल्कुल तन्मय बन जाएं। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, दो तीन लंबा गहरा सांस ले, लंबा गहरा सांस छोड़ें। दोनों हाथ जुड़े हुए, एक बार शरणम सूत्र का प्रयोग करेंगे। अरहंते शरणम पवस्यामि, सिद्धे शरणम पवस्यामि, साहो शरणम पवस्यामि, किद्वलिपन्नतम धम्मं शरणं पवस्यामि। प्रयोग संपन्न। ओम अरहं, ओम अरहं। अग्रिम ओम की ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास पूरा भरें, पहले ह्रस्व ओम, फिर दीर्घ ओम, फिर प्लुतुम करेंगे। ओम 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 ओम
अब दीर्घ ओम का प्रयोग करेंगे। ओम 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 अब प्लस ओम का उच्चारण करेंगे। पूरा नाभि से मत उठेगा स्वर। संपन्न अग्रिम करेंगे प्राणायाम का। श्वास का कुंभक करें, श्वास पूरा भरें। कितनी देर रोक सकते हैं आप देखेंगे। नाक को बंद करना चाहे नाक को बंद कर लें, नहीं तो यूं ही कुंभक कर सकते हैं। स्टार्ट करें, पूरा पहले भरें, पूरा भरें, पूरा भरें, पूरा भरें। सांस को रोकें,
रिलैक्स। प्रयास करें एक मिनट तक सांस को रोक सके। पुनः सांस भरें, पूरा भरें जितना भर सकते हैं। कुंभक करें, अग्रिम करेंगे। ये कुंभक का प्रयोग अंतः कुंभक अग्रिम करेंगे। कपाल भाति का प्रयोग सहजता से सांस लेना, प्रयत्न पूर्वक छोड़ना। जब ये बीच बीच में विश्राम करते हैं उस समय आप कुंभक की स्थिति कर सकते हैं। कुंभक में काफी अच्छा रिलैक्सेशन हो जाता है। तीसरी क्रिया, दृष्टि नीचे दोनों नथुनों से सहजता से सांस लेना, प्रयत्न पूर्वक छोड़ना। चौथी क्रिया, दृष्टि आसमान की ओर।
स्टमक का मूवमेंट पूरा होना चाहिए। पांचवी क्रिया कोहनी की क्रिया के साथ सिटी डांस करिए। छठी क्रिया दोनों हाथ का मसी, उंगलियां बाहर, अंगूठा पीछे, 50 टाइम। अग्रिम सातवीं क्रिया आठवीं क्रिया भस्त्रिका करेंगे, पूरा भरेंगे, पूरा छोड़ेंगे, 6 टाइम से। सेकेंड next
नेक्स्ट अग्रिम करेंगे, सांस पूरा भरें, ध्वनि करेंगे मंगल भावना का प्रयोग। श्री संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम। मानसिक संकल्प, मैं स्त्री संपन्न हूँ, लक्ष्मीवान हूँ, मैं आत्मानुशासन संपन्न हूँ, मैं बुद्धि संपन्न हूँ, मैं धैर्य संपन्न हूँ, मैं शक्ति संपन्न हूँ, मैं शांति संपन्न हूँ, मैं आनंद संपन्न हूँ, मैं तेज संपन्न हूँ, मैं पवित्र हूँ। इन भावों के साथ सुने बृहत मंगल पाठ। खड़े खड़े दोनों हाथ जुड़े हुए, दोनों पांव मिले हुए, एकाग्रता तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए
नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं ऐसो पंच नमुक्कारो सर्व पाव बणासनो मंगलाणं च सर्वेतिं परमं हवै मंगलम् सत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धमो मंगलम् सत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो सत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि नमो मंगलमुखीर्थम अहिंसा संयमो तवो देवाविदं नमं सन्ते जस्वधमेशयमुण चैताभारहं वासं चक्रवर्ती महिन्द्रियो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मत्तरं देवदानव गंधं पाञ्जखरखस किन्नरा बम्बयारिं नमं सन्ति दुःखरं जीकरन्तितं मंगलं भगवान् वीरो मंगलम गौतमोहणि मंगलम सोलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम हारमल्लक मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम महासमणोऽस्तु मंगलम तेरापंथोऽस्तु मंगलम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सरे चिंत्या काम नमियुण असुर सुर गरुल भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिहे सिद्धा यरिये वच्छाय सब साहूय संति कुंत अरो अरिक्षनेमी जिनंद बासोय समरण थानम निच्चम सब्वं रोगं पणासै सब्वं दुःखं पणासै सिद्धा सिद्धिं मम दिशंतु ओम अरहं एक दिवसीय त्याग इष्ट सिद्धि के लिए ओम ह्रीं श्रीं अर्हं पार्श्वनाथाय नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं पार्श्वनाथाय नमः इष्ट की सिद्धि इच्छा पूर्ति ओम ह्रीं श्रीं अर्हं पार्श्वनाथाय नमः और दूसरे किसी एक चीज का त्याग धारणा प्रमाणे सुखे समाधे सब बोलेंगे त्याग और यदि सबको ऐसा लगता है लेट हो रहा है जबकि इच्छा हो 6:30 से 7:30 तो अपना टेस्ट मैसेज में आप लिख के बता सकते हैं कि नहीं जो चल रहा है 7 से 8 ही ठीक है या 7:30 से 8:30 सही है सॉरी 6:30 से 7:30 यदि चाहते हो तो 7 से 8 की चली जाए। हाँ और विष्णु जी अपना एक्सरसाइज दिखाएंगे। आज हम वापस से नी की कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे। कल हमने कुछ एक्सरसाइजेस की थी, आज कुछ नई डिफरेंट एक्सरसाइजेस हम करेंगे। सबसे पहले हलासन करेंगे, उसके लिए आप अपने मैट पे आ जाएं। और जैसे हम उठने पहले बैठा करते थे वैसे हमको बैठना है। पैरों को जितना आप पीछे पुश कर सकते हैं उतना पुश कीजिए अपने हाथ से और बैक को स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। पूरा ऐसे स्ट्रेट नहीं भी है अगर तो बेंड नहीं होना चाहिए आपका स्पाइन, ठीक है। इस पोज में हम बैठेंगे 20 काउंट्स तक। तो इस पोज में कैसे जाना है फिर से मैं एक बार आपको दिखाऊं। वज्रासन से आप शुरू कर सकते हैं। पहले एक पैर को कीजिए, फिर दूसरे पैर को कीजिए। दोनों पैर थोड़ा बाहर की तरफ हैं, घुटने भी बाहर की तरफ हैं। और फिर आप अपने हाथ से ये जो आपके एल्बोज हैं इससे आप घुटने को पीछे पुश कर रहे हैं, ठीक है। बीढ़क की तरह हम बैठे हैं। इस पोज का नाम है मल्लासन और इसमें हम बैठेंगे 20 काउंट्स तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये आपके नी के लिए बहुत 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 ही अच्छा पोज है। आपके थाइस पे भी ये पोज वर्क करेगा। तो आप धीरे धीरे टाइम बढ़ा के इसमें 30 सेकेंड्स से लेके 1 मिनट 2 मिनट्स तक भी आप इस पोज में आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। आप इस पोज से हम वापस आएंगे। वज्रासन करते हुए वापस आ गए इस पोज से।
सेकेंड पोज हम नीज के लिए आज करेंगे धनुरासन, ये हमने पहले भी किया हुआ है। मैट पे हम लेट जाएंगे अपने पेट के बल। बिल्कुल स्ट्रेट आप लेट गए हैं। अब बारी बारी से अपने एंकल को आपको पकड़ना है, ये वाला जो पार्ट है आपके पैर का उसको पूरा अच्छे से पकड़ना है दोनों को। आपका जो चिन है वो मैट पे टिका हुआ है। बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हलासन में। आप इसको पकड़े पकड़े पहले अपना सिर्फ अपर बॉडी उठाना है, जितना आप ऊपर अपर बॉडी को उठा सकते हैं, ठीक है। ये प्रिपरेटरी पोज है धनुरासन के लिए। इस पोज में हम रहेंगे 10 काउंट्स तक, जितना ऊपर आप धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को उठा सकते हैं आप उठा लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपके बैक के लिए भी बहुत अच्छा पोज है। अब सांस भरते हुए जब हम ऊपर उठेंगे तो हम दोनों अपने अपर बॉडी को और पैर को भी ऊपर उठाएंगे। चलिए करते हैं इसको। सांस भरते हुए ऊपर, पैर और अपर बॉडी दोनों को हमने ऊपर उठा लिया, जितना आप पैरों को खींच सकते हैं, जितना अपर बॉडी आप ऊपर जा सकता है और पैर ऊपर आ सकते हैं, ये कोशिश रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नीचे आ जाए सांस छोड़ते हुए। दो लंबी सांस छोड़े और ले, फिर वापस से हम एक बार धनुरासन करेंगे और इस बार हम धनुरासन में रॉक करने की कोशिश करेंगे, आगे पीछे घूमने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सांस लेते हुए वापस से ऊपर, पैरों को और अपर बॉडी दोनों को उठाना है जितना ऊपर उठा सके। फिर आप अपने झूलने का प्रयत्न कीजिए कम से कम 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नीचे जाएंगे, पैरों को रिलीज करेंगे, हाथ को फैला ले, पैर को भी फैला ले और राइट तरफ सिर करके 4-5 सांस तक इसी पोज में हम रिलैक्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर उठ जाए। अब हम मैट पे स्ट्रेट लाई डाउन करेंगे अपने बैक के बल पे और हम पैरों को उठाएंगे 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज और 90 डिग्रीज पे। बैठ जाइए अपने बैक के बल पे। पहले एक पैर से शुरू करते हैं, 30 डिग्रीज धीरे धीरे होल्ड करेंगे 5 काउंट तक। 1, 2, 3, 4, 5, 45 1, 2, 3, 4, 5 अगर आपके टोस आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो और अच्छा है, ऐसे ना करके टोस को अपनी तरफ पॉइंट करें। फिर और ऊपर 60 डिग्रीज 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 90। 90 के लिए आप हाथ का सहारा भी ले सकते हैं जितना खींच सके। 1, 2, 3, 4, 5 अब इसको 180 करने की कोशिश करते हैं बाजू में यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5 180 करने के लिए मैंने हाथ को भी पैरेलल टू ग्राउंड कर लिया है। अब वापस इसको ले जाएंगे 90 पे। 1, 2, 3, 4, 5 60 धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5, 45 1, 2, 3, 4, 5 उंगलियां सारी आपकी तरफ पॉइंट कर रही हैं 30 डिग्रीज पे। 1, 2, 3, 4, 5 5 काउंट और होल्ड करेंगे 30 पे। 6, 7, 8, 9, 10 फिर इस पैर को नीचे रख दें।
दूसरे पैर से सेम चीज अभी हम करेंगे, उंगलियां आपकी तरफ पॉइंट करती हुई, पैरों को ऊपर उठाए 30 डिग्रीज, 1 2 3 4 5, 45, 1 2 3 4 5, 60, 1 2 3 4 5, 90 के लिए हाथ का सहारा ले लें, 1 2 3 4 5, 180 डिग्रीज नीचे, 1 2 3 4 5, वापस 90 पे आएंगे, 1 2 3 4 5, 60, 1 2 3 4 5, उंगलियां आपकी तरफ पॉइंट करेंगी, 45, 1 2 3 4 5, 30, 1 2 3 4 5, 5 काउंट और, 6 7 8 9 10 नीचे। अब सेम चीज दोनों पैर से हम ट्राई करते हैं, ये ना कि नीज के लिए अच्छा है, ये पूरा हमारा लोअर बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। चलिए तो सपोर्ट के लिए आप अपने दोनों हाथों को अंदर रख सकते हैं ऐसे। अब शुरू करें, 30, 1 2 3 4 5, 45, 1 2 3 4 5, 60, 1 2 3 4 5, 90, 1 2 3 4 5, 180, धीरे धीरे, 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, वापस 90 डिग्री लेके आएंगे, 1 2 3 4 5, 60 डिग्रीज, 1 2 3 4 5, 45, 1 2 3 4 5, 30, 1 2 3 4 5, और 6 7 8 9 10, धीरे से नीचे। ये बहुत ही अच्छा हमारी नीज के लिए और पैर के लिए एक्सरसाइज हो गई है हमारी। अब हम पैरों को 90 डिग्री पे उठाएंगे, फोल्ड करेंगे ऐसे, 10 काउंट तक इसको ऐसे रखेंगे। अगेन जो आपके टोज है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे। दूसरे पैर को उठाएंगे, बिल्कुल 90 डिग्री फोल्डेड है, टोज आपकी तरफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत अच्छा काम किया है पैरों के साथ। अभी अभी एक और एक्सरसाइज हमें बैठ के करनी है, इसके लिए आप बैठ जाएं, हाथ को जो है लॉक करके अपने घुटने के नीचे आप रखेंगे। अब इसको 90 पे उठा लीजिए, अब हम जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाएंगे, 1 वापस 90 पे, 2 वापस 90 पे, 3 बिल्कुल सीधा पैर वापस 90 पे, 4 सांस लेना मत भूलिए, सांस लेते रहिए छोड़ते रहिए, 5 6 आराम से सांस लेते छोड़ते हुए, 7 8 9 10, पैर को नीचे ले आएंगे, दूसरे पैर से करेंगे, फिंगर्स को लॉक करके हमने अपने घुटने के नीचे रखा है, वापस 1 सांस लेते छोड़ते हुए, 2 3 4 5
छह सात आठ नौ दस पैर को नीचे ले आए। अभी मैं आपको एक आसन का इजी वर्जन दिखा रही हूँ, उसका डिफिकल्ट वर्जन मेरा बेटा दिखाएगा। आ जाओ, आपको जो पैर मोड़ के लाई डाउन करते हो मैट पे आके दिखाओ। अगर आप ये कर सके, बड़े लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ऐसे आओ मैट पे, पैर मोड़ के आप बैठ जाए, आपके दोनों पैर जो है फीट वो बाहर की तरफ निकले होने चाहिए, फिर आप धीरे धीरे लेट जाइए जितनी देर भी आप लेट सके। मुझे पर्सनली ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मैं कम समय तक कर पाती हूँ, आरव बहुत अच्छे से कर पाता है इसको। 10 काउंट तक इसमें रह सकते हो आरव, ठीक है? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, अब उठ जाओ, बंदा भी कर लो। अब मैं आपको इसका इजी पोज दिखाती हूँ। आप लेट जाइए और अपने पैरों को यूं जोड़ लीजिए आपस में, और अब इसको आप नीचे रख के पूरा जमीन तक टच करने की कोशिश करेंगे अपने दोनों नीज को। और इस पोज, ये उसका इजी वाला वेरिएशन है। अगर आप पैर मोड़ के कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये ट्राई कीजिए। इस पोज में अब हम रहते हैं 15 काउंट्स तक। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सोलह चौदह पंद्रह, जोड़ते हुए राइट साइड से करवट लेते हुए ऊपर आ जाइए। आज के लिए लास्ट पोज मैं आपको दिखाती हूँ, गॉडेस पोज। इसके लिए हम खड़े हो जाएंगे, पैरों को फैला लेना है हमें। स्क्वाट में हम जितना नीचे बैठ सकते हैं उतना नीचे बैठेंगे। हाथ 90 डिग्री पहले पैरेलल रख दीजिए, फिर इसको 90 डिग्री पे लेंगे। 10 काउंट तक बैक बिल्कुल स्ट्रेट। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ओम हर हम। आज के लिए इतना है। मंदामी नमस्तामी सुख साता। आज शाम का विषय रहेगा भावना, भावना में मैं है।